दोस्तों जब भी हम लोग पक्षियों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पैरट्स, पिजन या क्रो आते हैं। ये पक्षी इतने खतरनाक भी नहीं है, पर दुनिया में ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हैं। उनमें से एक साउथर्न कैसवरी, ये दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही बात करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। साउदर्न कैसोवरी, कैसोवरी की टोटल 3 स्पीशीज है, साउदर्न कैसोवरी, ड्वार्फ कैसोवरी और नॉर्दर्न कैसोवरी। उनमें से एक साउदर्न कैसोवरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इनके और भी नेम है साउदर्न कैसोवरी के, जैसे डबल बेटल कैसोवरी, ऑस्ट्रेलियन कैसोवरी, टू बेटल कैसोवरी। साउदर्न कैसोवरी एक तरीके की फ्लाइटलेस बर्ड है। साउदर्न कैसोवरी दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों की लिस्ट में एक नंबर पे आती है। ये फ्लाइटलेस है, इसलिए इसे इमो, ऑस्ट्रिचेस और कीवीज के साथ रिलेट भी किया जाता है। साउदर्न कैसोवरी एक तरीके के सॉलिटरी बर्ड्स हैं। अगर हम इनके अपीयरेंस की बात करें तो इनके पास ब्लू कलर का फेस होता है, इनके पास एक लंबी नेक होती है और दो रेड बेटल्स होते हैं। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर, गले के पास दो रेड बेटल्स लटके हुए हैं। गले के नीचे वाला जो एरिया होता है वो ब्लैक कलर का होता है इनका, इसलिए इन्हें फ्लाइटलेस ब्लैक बर्ड भी कहा जाता है। अगर हम इनके लेंथ की बात करें तो साउदर्न कैसोवरी की लेंथ 1 से लेकर 1.7 मीटर तक हो सकती है। इनका वजन 44 किलोग्राम तक हो सकता है। और रही बात इनके लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन वाइल्ड में अप्रोक्स 40 साल तक का होता है और कैप्टिविटी में 60 साल तक का। इनका जो डाइट है, यानी ये जो खाने में पसंद करते हैं, वो फॉलन फ्रूट्स, जो फल गिरे हुए होते हैं जमीन पर ही उन्हें खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स और फंगी को भी खाना पसंद करते हैं। कैसोवरी इंडोनेशिया, ट्रॉपिकल क्वींसलैंड, न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया इनके अपीयरेंस को लेकर। इनके सर के ऊपर हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम कैस्क्यू है। ये कैस्क्यू तीनों ही स्पीशीज में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साउदर्न कैसोवरी दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है, तो ये क्यों है मैं आपको उसका रीजन दे देता हूँ। कैसोवरी के पास जो क्लॉज है वो एक डैगर की तरह दिखते हैं। डैगर एक तरीके का चाकू है जिसे वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में। इनके जो क्लॉज होते हैं उनका साइज 4 से लेकर 5 इंचेस तक होता है। कैसोवरी जब भी लड़ते हैं तो वो लड़ते समय किक करते हैं। किक करते समय उनके जो पैरों के क्लॉज है जो एक डैगर की तरह दिखते हैं वो दुश्मन का शरीर पर लग जाते हैं और अच्छा खासा जख्म दिए जाते हैं। कुछ केसेस में सामने वाले की मौत भी हो जाती है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको साउदर्न कैसोवरी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।